हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। लॉकडाउन पार्ट टू का आज पांचवा दिन है। यदि आप बिना किसी काम के, बिना किसी ठोस वजह या बिना इमरजेंसी के शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं तो खबर आपके लिए है। जी हां, शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर पुलिस ऐसे लोगों का कर रही है इंतज़ार जो लॉकडाउन में बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी इमरजेंसी के बाहर निकले हैं, या तो घूमने के ख्याल से, या इधर उधर भटकने की वजह से, या मटर गश्ती के इरादे से। पुलिस ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ रही है, उनका चालान काटा जा रहा है। यातायात के नियमों का पालन भी आपको हर हाल में करना है, लॉकडाउन के दरमियान भी। याद रखिए, यातायात के नियमों के पालन में कोई छूट नहीं है लॉकडाउन में। अगर आप लॉकडाउन में किसी वैध कारण से, इमरजेंसी में, या आपके पास वैध पास हो तब भी आप निकले हों, तो आपको यातायात के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। हेलमेट आपको पहननी होगी, गाड़ी के सभी कागजात आपको दुरुस्त रखने होंगे, वरना आपकी सीधी कटेगी फाइन। यह जान लीजिए कि आपको लॉकडाउन में, इमरजेंसी में निकलने की छूट तो है, लेकिन यातायात नियमों का आपको पालन करना ही होगा। गाड़ी पर, टू व्हीलर पर आपको पीछे सवारी नहीं बिठानी है। टू व्हीलर पर चालक अकेला चलेगा, पीछे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी में भी निकले हों तब भी। फोर व्हीलर पर भी अगर आप निकले हों तो ड्राइवर आगे बैठेंगे और बस पीछे एक सवारी, कोई एक व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन फोर व्हीलर में भी दो से अधिक लोगों के बैठने की इजाज़त नहीं है। यातायात नियमों का पालन आपको हर हाल में करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस लगातार सड़कों पर लोगों के कागजात जांच रही है, हेलमेट चेक कर रही है, लॉकडाउन तोड़ने की वजह उनसे पूछ रही है। और अगर लॉकडाउन बिना वजह आपने तोड़ा है तो याद रखिए, गिरफ्तारी भी होगी, जाना पड़ेगा जेल।